केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जोधपुर सांसद शेखावत को संजीवनी घोटाले में क्लीन चिट दे दिया है। बुधवार को एसओजी की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट की जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने शेखावत को दोषी मुक्त करार दिया। जस्टिस मोंगा की बेंच ने आदेश पारित करते हुए कहा, रिपोर्ट के आधार पर कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट द्वारा क्लीन चिट मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत पर हमला बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले कि गहलोत ने पुत्र मोह में आकर मुझे फंसाया। सुनिए गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा। कि सत्य को आप बादलों के आडंबर से आवरण से ढकने की कोशिश की जा सकती है, काले पोतने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अंततः सत्य उद्घाटित होता है। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो झूठ खड़ा करने का षड्यंत्र अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने पुत्र की पराजय और राजस्थान की जनता द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजयी देने के खींच से उपजी मानसिकता के चलते हुए जिस तरह से एक झूठे प्रकरणों में मुझे घसीटने की कोशिश की गई थी, आज न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय सुनाते हुए उस इन्वेस्टिगेशन को क्वेश कर दिया और साथ साथ में फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिना किसी न्यायालय की स्वीकृति के द्वारा न किया जाए इसको लेकर के आज आदेश सुनाया है। एक बार फिर सत्य जीता है और ऐसी कुत्सित मानसिकता किसी व्यक्ति के चरित्र हरण करने का प्रयास जिस तरह से किया गया उसके उन लोगों के मुंह पर आज न्यायालय का सुनने के बाद एक तमाचा। दरअसल संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव प्रकरण में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। शेखावत की ओर से दायर याचिका में एफआईआर के साथ साथ जांच को भी रद्द कराने को लेकर मांग की गई थी। 17 सितंबर 2024 को जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने मामले में अंतिम आदेश पारित करते हुए एसओजी को इस सवाल का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। क्या एसओजी गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का इरादा रखता है? मामले में एसओजी की ओर से एक रिपोर्ट दायर की गई जिसमें कहा गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और कंपनियों में निदेशक के रूप में उनके इस्तीफे के बाद किए गए कृत्यों के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि एसओजी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। एडवोकेट आदित्य विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसओजी ट्रायल कोर्ट से अनुमति लिए बिना शेखावत के खिलाफ आगे की जांच नहीं कर सकती। आप देख रहे थे द नगरी न्यूज, मैं हूं शेख जुई, शुक्रिया।